एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब हमको ऐड करना होता है तो हम इसे इस तरह ऐड करते हैं, जैसे हमारे पास है 2a plus 3a, तो ये आपका हो जाएगा 5a. यानी कि अगर आपके पास सेम वेरिएबल्स हैं तो हम क्या करेंगे कि उनके कोफिशेंट्स को ऐड कर देंगे. तो जैसे यहाँ पे a का जो है कोफिशेंट 2 है और इस a का कोफिशेंट 3 है, तो ये 2 और 3 आपका ऐड हो जाएगा, 2 plus 3 5 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5a. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम सिंपली इस तरीके से ऐड करते हैं. जैसे हमारे पास और भी एग्जांपल है, 3x plus 5x, तो 3x plus 5x आपका क्या हो जाएगा, 8x. आपको सिंपली क्या करना होता है कि जो नंबर लिखा हुआ है आपका वेरिएबल के साथ उसको ऐड करना होता है. जैसे यहाँ पे x के साथ 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे x के साथ 5 लिखा हुआ है, तो ये 3 और 5 ऐड हो जाएगा, 3 plus 5 8 हो जाएगा आपका. तो आपके पास अगर दो टर्म्स हैं जैसे, तो इस तरीके से एडिशन हो सकती है. आपके पास तीन टर्म्स हो तो भी इसी तरीके से होगा, जैसे 5a plus 2a plus 7a है. तो आप क्या करेंगे कि ये जो a के कोफिशेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे a का कोफिशेंट 5 है, यहाँ पे a का कोफिशेंट जो है वो 2 है, यहाँ पे a का कोफिशेंट 7 है, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे. तो 5 plus 2 7 और 7 plus 7 14, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 14a. इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 8x plus 3x और plus 4x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8x plus 3x 11x और 11x plus 4x 15x. अच्छा, ये तो आपके पास सिंगल वेरिएबल्स थे. अगर आपके पास इस तरह के वेरिएबल्स हो, जैसे आपके पास है 2ab plus 4ab प्लस 7ab, तो इनको आप ऐसे ऐड करेंगे कि 2ab प्लस 4ab आपका हो जाएगा 6ab और 6ab प्लस 7ab हो जाएगा आपका 13ab. तो ये ab भी आपकी सारी एक जैसी ही टर्म्स हैं, तो ये भी आपकी उसी तरीके से ऐड होंगी जैसे आपके पास सिंगल वेरिएबल था. यहाँ पे आपके पास सिर्फ x था, यहाँ पे आपके पास जो है वो ab है, यहाँ पे भी ab है और यहाँ पर भी ab है. इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 13xy प्लस 5xy और प्लस 3xy. तो यहाँ पर भी देखें, आपके पास xy xy और xy है, तो 13xy प्लस 15xy आपका हो जाएगा 18xy और 18xy प्लस 3xy हो जाएगा आपका 21xy. अब इसी तरीके से अगर आपके पास कोई इस तरह की एक्सप्रेशन है जिसमें आपको दिया हुआ है, जैसे 4z प्लस 7z और प्लस 3p, तो 4z और 7z आपका ऐड हो जाएगा और 3p आपका एज इट इज़ रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो 4z प्लस 7z आपका हो जाएगा 11z और प्लस 3p आपके पास उसी तरीके से आ जाएगा, यानी कि ये सिर्फ z वाली टर्म्स आपकी ऐड हो रही हैं. तो आपको पहले मैंने रूल बताया था कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, तो सिर्फ एक जैसी जो टर्म्स होंगी वही ऐड हो सकती हैं. इसी तरीके से आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 2a प्लस 3b और प्लस 5b, तो 2a प्लस 3b तो ये दोनों तो ऐड नहीं हो सकते, और 3b प्लस 5b ये दोनों b हैं, तो ये दोनों b आपके ऐड हो जाएंगे. तो 2a आपका एज इट इज़ रहेगा और 3b प्लस 5b आपका हो जाएगा 8b. अब जैसे आपके पास अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का है सम के 3x² प्लस 7y² प्लस 4x² प्लस 8y², तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें x² और x² ये दोनों सेम है, तो इनको आप साथ लिख लेंगे, यानी कि थोड़ी सी आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी. 3x² प्लस 4x² को आपने एक साथ लिख लिया, इसी तरीके से आपने 7y² और 8y² को एक साथ लिख लिया, क्योंकि y² और y² ये भी सेम है और x² ये सेम है. तो जो सेम टर्म्स होंगी, यानी कि जिनके वेरिएबल्स और पावर सब कुछ सेम होगा आपकी, वो चीज़ ऐड हो सकती है.
तो 3x² और 4x² आपका ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7x², और 7y² और 8y² आपका ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 15y². इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास है 2pq प्लस 5rs और प्लस 11rs और प्लस 6pq। तो 2pq और 5rs ये तो ऐड नहीं हो सकते क्योंकि pq और rs डिफरेंट है, और ये rs और ये rs है, 5rs और 11rs ये ऐड हो सकते हैं, और ये 2pq जो है वो 6pq के साथ आपका ऐड हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं, जैसे हमने 2pq और 6pq को एक साथ लिख लिया, और उसके बाद 5rs और 11rs को एक साथ लिख लिया। तो अब ये pq वाली टर्म्स जो हैं ये ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2pq और 6pq ऐड हो गया, आपका हो जाएगा 8pq, और 5rs और 11rs ऐड हो गया, आपका हो जाएगा 16rs। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास है जैसे 3x² y प्लस 4y² z प्लस 7z² x प्लस 6x² y प्लस 8y² z प्लस 9z² x। तो इसमें भी हम जो एक जैसी टर्म्स होंगी पहले उनको हम कलेक्ट कर लेंगे, जैसे 3x² y है, तो अब देखें x² y और किसी के साथ है, जैसे यहाँ पे देखें ये 6x² y है, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि x² y वाली टर्म्स जो है उनको हमने एक साथ लिख लिया। इसके बाद 4y² z है, तो y² z देखें, यानी कि एक जैसी टर्म्स को हम क्या करेंगे कलेक्ट करेंगे, 4y² z है ये और ये 8y² z है, तो आपने इन दोनों को साथ लिख लिया। इसी तरीके से फिर 7z² x और प्लस 9z² x। अब 3x² y और 6x² y ये दोनों ऐड हो जाएंगे और आपका ये हो जाएगा 9x² y। फिर 4y² z और 8y² z ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 + 8 12 हो जाएगा, तो 12y² z। इसके बाद 7z² x प्लस 9z² x, तो 7 + 9 आपका हो जाएगा 16z² x। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से ऐड करते हैं।